हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। नमस्कार, मैं सतीश बुडाने इस समय मौजूद है। हम न्यू कॉलोनी के DPS प्राइमरी विंग में, DPS स्कूल में हम लोग पहुँचे हैं। हमारी टीम पहुँची है, वैभव क्रांति की टीम। इस समय चेयरपर्सन श्रीमती रानीलाल और स्कूल की हेडमिस्ट्रेस श्रीमती नीलम संधा से बात करेंगे, उनसे जानेंगे स्कूल के बारे में। गुड मॉर्निंग मैम। आजकल एडमिशन का दौर शुरू है, तकरीबन पेरेंट्स की शिकायत ये रहती है कि प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं वो इस दौरान आर्थिक शोषण बहुत करते हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में कि आपका स्कूल भी उसी कैटेगरी में आता है? सर, जैसा कि आप जानते हैं, DPS पलवल प्राइमरी विंग अपने क्षेत्र में अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए मशहूर है। यहाँ पे आपको मतलब ऐसी एजुकेशन मिलेगी कि बच्चों का पूरा हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग, हर तरह से उनकी हम ऐसी एजुकेशन देते हैं कि बच्चा आगे बढ़ के आए। तो इसमें ऐसा आर्थिक शोषण की बात कुछ भी नहीं है। पेरेंट्स आते हैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए, जो हम उनको सारी फैसिलिटीज़ के साथ अच्छी एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे बीच में हेडमिस्ट्रेस श्रीमती नीलम संधा हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक निर्देश जारी किया है कि प्राइवेट स्कूलों में बुक्स सेल नहीं हो सकती हैं। क्या आपके स्कूल में इस समय प्राइवेट बुक्स हैं, लगी हुई हैं? सर, प्राइवेट बुक्स इन द सीनियर क्लासेस शुड नॉट बी देयर, देयर वी गिव NCERT बुक्स, बट इन द जूनियर क्लासेस अपार्ट फ्रॉम द NCERT सम पब्लिशर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्स्ट्रा एफर्ट्स, सो वी गो फॉर दोज बुक्स। एंड मोर ओवर अबाउट द सेल ऑफ द बुक्स, we don't sell it from the school side. A vendor is hired, it is on the option of the parents that whether they want to buy it from the school, from that vendor, or they want to buy it from the outside, they can buy it from anyone. We don't force anyone. जितने भी छोटे बच्चे होते हैं, कई बार क्या होता है कि नर्सरी से जब बच्चा आता है स्कूल में, फर्स्ट डे होता है, पेरेंट्स की बहुत याद आती है। उस दौरान कहीं ना कहीं बच्चा अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। स्कूल की तरफ से, आपकी तरफ से ऐसी कैसी सुविधाएं हैं जिससे बच्चा अपने को फ्री फील करे? सर, फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वी हैव ऑलवेज बीन वर्किंग दैट फ्रॉम एवरी एंड ऑफ द चिल्ड्रन शुड बी सेफ विद द टीचर्स, शुड बी सेफ देयर इन द क्लासेस। वी प्रोवाइड एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटी। वी हैव परचेज स्विंग्स, यू कैन सी दैट वी हैव गिवन द इंफ्रास्ट्रक्चर in the classrooms also. So safety from the guards to the helpers to the teachers, from the transport to the infrastructure, everywhere you we go for checking randomly. So there is a complete check and we see to it that the child should be safe and sound there in the hands of the school. Shrimati Ranilal ji, parents ke saath aapka school direct touch mein rehta hai, पेरेंट्स का बात करें तो मदर्स के साथ ज़्यादातर स्कूल के टच रहता है। मदर्स की ऐसी कौन सी ग्रीवेंसेज हैं जो कई बार आप उसको उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है मदर्स की, मदर्स क्या चाहती हैं स्कूल से? सर, जैसा कि आपको बताया, लाल साहब का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसी के लिए उन्होंने मुझे यहाँ पे एंगेज कर दिया है कि आप डेली जाओ, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स हो, वो भी डायरेक्टली हमारे पास आएँ। तो मैं खुद ही डेली उनसे मिलती हूँ, जो भी उनकी मदर्स की प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे को मतलब लंच नहीं करके आता, उस पर ध्यान दिया जाए, या कुछ भी ऐसा है कि मतलब क्लीनलीनेस का प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी बात है, तो उसके लिए मैं इसलिए खुद ही यहाँ पर आ रही हूँ, डायरेक्टली उनसे मिलती हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हूँ। तो नंबर ऑफ परसेंटेज कितना परसेंट पेरेंट्स आपसे स्कूल से खुश हैं? सर, हमारे सभी पेरेंट्स यहाँ से खुश हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बिग, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती हमें, सिर्फ जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम उनकी सॉल्व कर देते हैं। स्कूल की तरफ से नए नए फंक्शंस होते हैं, जो कभी आर्थ डे है तो कभी मदर्स डे है, कभी कलर्स डे है, तो स्कूल की तरफ से ये जो फंक्शन होते हैं उनमें पेरेंट्स कितना बच्चों का हिस्सा लेते हैं?
हमारे सभी पेरेंट्स यही न्यू कॉलोनी के और आसपास के ही हैं, और जब भी हम जिन भी फंक्शंस में उनको बुलाते हैं वो ज़रूर यहाँ पे खुश होकर आते हैं। अब अर्थ डे पे हम रैली निकाल रहे हैं जिसमें हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे और बच्चे पोस्टर मेकिंग और अर्थ डे पे सेव अर्थ के बारे में अच्छी अच्छी उनको बातें हम यहाँ पे सिखा रहे हैं और उसके बारे में हम रैली निकाल रहे हैं। अर्थ डे को जो रैली निकालेंगे कहाँ कहाँ रैली निकलेगी आपकी तरफ से, क्योंकि गर्मी का माहौल है, बच्चे छोटे हैं, नौनी हाल से यहाँ पे नौनी हालों को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है, तो जो रैली होगी वो ड्यूरेशन क्या होगी उसकी और कहाँ से निकलेगी? सर हमारी रैली यहाँ स्कूल से स्टार्ट होकर पूरी न्यू कॉलोनी को कवर करेगी, उसके बाद बसेज में ही हम उनको हुड्डा चौक और ओमेक सिटी में लेके जाएंगे। जैसे कि अर्थ डे है, स्वाभाविक बात है कि पृथ्वी दिवस है, पृथ्वी को बचाना है, पर्यावरण है, पॉल्यूशन है, बच्चों को पोस्टर मेकिंग के अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज होंगी जो बच्चा करेगा? न्यूज़पेपर के हमने बैग्स बनवाए हैं उनसे, जो बच्चे हमारे उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी रैली में, और ये संदेश देंगे कि मतलब पॉलीथीन के जगह मतलब न्यूज़पेपर बैग्स को यूज़ करें। प्रिंसिपल हेड मिस्ट्रेस मैम, जो एटमोसफेयर है, घर का वातावरण है और स्कूल का वातावरण है बिल्कुल चेंज होता है, नौनियाल अपने आप को उस तरह कैसे डेवलप कर पाते हैं? सर स्कूल इज सेकेंड होम फॉर द चिल्ड्रन, वी ऑलवेज ट्राई टू ब्रिज अप द गैप बिटवीन द पेरेंट्स एंड द टीचर्स, सो फ्रॉम टाइम टू टाइम देयर आर मीटिंग्स, द स्कूल डोर्स आर ऑलवेज ओपन, पेरेंट्स डू कम इन द मॉर्निंग, दे हैव इंट्रैक्शंस रेगुलरली विद द टीचर्स, वेयर एवर दे फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे कैन कम टू दिस ऑफिस, दे आर ऑलवेज वेलकम and they can share anything with us. Wherever we find that here some improvement is required, we always go for that. We have put up a suggestion box outside. We have a complaint register at the reception. So they are open to give us their feedback. Feedback form goes from time to time to them. So we go for the follow-up. आपके स्कूल स्ट्रेंथ कितने कितने नॉनगर्ल्स आपके यहाँ एडमिशन ले रहे हैं? सर अभी बिकॉज द एडमिशन आर स्टिल गोइंग ऑन एंड एवरी डे इट गेट्स एडेड टू द प्रीवियस स्ट्रेंथ, सो राउंड अबाउट 500 वी आर एक्सपेक्टेड। तो मैं 500 बच्चे आप बता रहे हैं नॉनगर्ल होते हैं बच्चे, तो इनमें से ज़्यादातर पेरेंट्स यानी कि मदर्स के साथ आपका डायरेक्ट टाई अप कितना रहता है? Sir, as I told you that everybody is welcome. Mothers do come to pick up their children, to drop their children. We never say no. Apart from that, every month there is PTM, parent teacher meet. But otherwise also after school, if they find any problem, they are welcome to discuss anything, anytime. चलिए, parents के लिए आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे school की तरफ से, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार student भी है, नौनिहाल है, अपने आप को अनफिट महसूस करता है, का वातावरण चेंज होता है, पेरेंट्स के लिए क्या आप सजेशन देंगे आप? देखिए सर, एज आई टोल्ड यू दैट स्कूल इज अनदर होम फॉर द चिल्ड्रन एंड वी आर ऑल्सो द पेरेंट्स, आई कैन अंडरस्टैंड वेल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पेरेंट्स दैट दोज हु आर गिविंग द फी टू द स्कूल, दे हैव हाई एक्सपेक्टेशन, देयर चिल्ड्रन शुड बी should have the complete growth from every dimension, whether that is social, cultural, educational, from everywhere. So we try ourselves to come up to the expectations of the parent. Lekin fir bhi main ye kahungi ki every child has his own cup of tea. All of us are with this different capabilities and potentials. So it is the duty of the parent to understand the children, not to give them the pressure that they should be always the toppers. They should be perfect performing citizens. We should emphasize on values, ethics, the basic values a child can learn only when he sees or she sees the values in their parents. So the charity begins at home. What we want to develop in our children, first of all, we have to demonstrate that. So then we are adopting here in the school that the teachers and the heads should have all those things which they want to bring out there in the children. चैरिटी बिगन होम, नीरज सिंधा ने कहा, जो मदर्स होती है घर में वातावरण में, घर से बात करूँगा, घर में मदर्स हैं या फादर हैं, घर में वातावरण जो टीवी देखते हैं, कई शो जैसे है सावधान इंडिया है, क्राइम पेट्रोल है, इन टीवी सीरियल्स को देखने से, मदर्स के देखने से बच्चों की पढ़ाई पर कितना असर पड़ता है? मैंने आपसे पहले भी कहा है, जब बच्चा स्कूल में एंटर करता है तो वो हम पेरेंट्स को कहते हैं वो आपका बच्चा नहीं हमारा बच्चा है, और जब मदर्स ये टीवी वगैरह देखती हैं तो मैं मदर्स से ये कहना चाहूँगी कि वो इस माहौल को बच्चों से दूर रखें,
और उनको मतलब ऐसी शिक्षा दें कि वो बच्चे कल के देश के लिए एक उज्ज्वल नागरिक बन सके, उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना करते हैं उनके लिए। स्कूल, घर से स्कूल बच्चा एंटर करता है, परमिशन में रहता है, स्कूल में रहता है, पेरेंट्स जब तक बच्चे घर नहीं आ जाते चिंतित रहते हैं। स्कूल के से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कैसे रहता है बच्चे पेरेंट्स के साथ? आपकी तरफ से तो सॉफ्टवेयर स्कूल की तरफ से रहता है कि डायरेक्ट टच में रहे? सर हमारे यहाँ पे जो वैसे तो हमारा स्कूल छोटा है, जो भी पेरेंट्स यहाँ पे बच्चों को लेने छोड़ने जब भी आते हैं तो हम उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं। फिर भी हम फेसबुक के ज़रिए या और भी हमने स्कूल के मतलब पेरेंट्स के ग्रुप बना रखे हैं व्हाट्सएप पे भी, जो उनसे हमारा डेली कॉन्टैक्ट चलता है। आपकी एजुकेशन का जो फॉर्मूला है एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा डिपेंड करता है, एक्टिविटीज़ अधिक होती हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? एक्टिविटीज़ से क्या बच्चे का समग्र विकास होता है? सर देखिए हमारा जो अकेडमिक्स है और एजुकेशन सिस्टम है दैट इज़ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। फ्रॉम द एक्सपीरियंस वी ट्राई टू टीच द स्टूडेंट्स वेदर दैट इज़ अकेडमिक्स इन द क्लासेस वाइल परफॉर्मिंग इन द क्लासेस और इट इज़ आउटसाइड द क्लासेस। वी डोंट लिमिट द चिल्ड्रन विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम्स, वी ब्रिंग देम आउट एंड वी गिव देम द एक्टिविटीज टू लर्न वॉट इज गिवन इन द बुक्स। फॉर एग्जाम्पल If there is some science related topic, so we bring them outside so they can learn it from the practical life, whether those are animals or the birds or the human life. So we believe that the child should learn from the world around him or her. So that is what our school, Delhi Public School, is famed for. So ye tehwaare beech mein Head Mistress Neelam Sundar aur Chairperson श्रीमती रानी राव, उन्होंने बताया कि DPS एक ब्रांडेड स्कूल है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, इसी के आधार पर हम बच्चों का नॉन हाल्स जो है आगे डेवलप होता है उनका। मैं वैभव क्रांति के लिए सतीश पुटानू।